हालेलुया 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 ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा, जो भी सुनेंगे, जो व्यक्ति इस वचन को सुनेंगे वो सभी लोग चंगे होंगे, क्योंकि ईसा ने स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी और रोगियों को अच्छा किया। जिन्हें चंगाई की जरूरत है, शरीर में, मन में, आत्मा में हीलिंग की जरूरत है, विश्वास कीजिए प्रभु का वचन, ईश्वर के राज्य के बारे में जो वचन, जब आप स्वीकार करेंगे और उस वचन को दिल में रखेंगे, वो वचन आपको चंगा करेंगे। इसलिए सुने कहा मत्ती अध्याय 6 वचन 33, चैप्टर 6 वर्ड्स 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्ड्स 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, बाकी सब दिया जाएगा। जिन बातों की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, घर में आशीर्वाद की जरूरत है, अच्छी नौकरी की जरूरत है, बच्चों में बदलाव की जरूरत है, घर नहीं है घर की जरूरत है, ये सारी बातें यूं ही दी जाएगी। लेकिन तुम सबसे पहले क्या करो, ईश्वर की राज उसकी खोज करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय यीशु। मतलब है यीशु जीते, मतलब ईश्वर का राज्य वो है जहां पर ईश्वर की जीत होती है। ईश्वर का राज्य का मतलब जहां पर हर कार्य में, हर बात में ईश्वर जीतता है। बोले हालेलुया। ईश्वर का राज्य का मतलब जहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है और ईश्वर का हुक्म चलता है, ईश्वर का शासन चलता है, ईश्वर की मर्जी पूरी होती है, जहां पर ईश्वर की जीत होती है, वो ईश्वर का राज्य है। बोले हालेलुया। एक राजा जब हार जाता है उसके बाद उसका राज्य वहां पर नहीं रह जाता है। जब तक राजा जीतता है और जीतता है तब तक उसका राज्य कायम रहता है। लेकिन राजा जब हार जाता है वहां पर वो राजा का राज्य नहीं रहता, वो किसी और के अधिकार में चला जाता है। इस बात सच है, ईश्वर का राज्य का मतलब है जहां पर ईश्वर की जीत होती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम जय यीशु बोलते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं यीशु को जिताऊंगा, यीशु को जिताऊंगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आप पूछेंगे तो यीशु को फिर हरा भी सकता है क्या? तो हम बोलेंगे, मैं आपको बोलता हूं, यीशु को हरा भी सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रेम है, उसने प्रेम करना हमको सिखाया। और जब मैं प्यार नहीं करता हूँ और किसी से नफरत करता हूँ, मैंने प्रेम को मुझ में हराया। कौन हारा? यीशु हारा। यीशु प्रेम है। जब मैं नफरत करता हूँ मुझ में यीशु हार जाता है। जब मैं अपने शत्रु से नफरत करता हूँ, जबकि यीशु ने सिखाया था शत्रुओं से प्रेम करना, ये सिखाते हुए उसने सूली पर प्रार्थना किया था, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सिखाया था, स्वयं करके दिखाया था। और जब मैं अपने शत्रु को गाली देता हूँ, श्राप देता हूँ, उनसे नफरत करता हूँ, उनसे रिश्ता तोड़ देता हूँ, तो कोई बातचीत नहीं करता हूँ, उस समय मुझ में यीशु हार जाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ, सत्य यीशु है। बोलिए यीशु सत्य है, सब लोग बोलिए ना, यीशु सत्य है, यीशु सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा से सब कुछ प्रभु ने तैयार किया, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, अच्छा से नहीं बोलता है। बाकी सब इतना सुंदर रीति से हमने प्रभु के लिए किया है। हम पर देखिए, बिशप साम जी की अगुवाई में हम लोग प्रभु वचन का आदर करते हैं। आप जानते हैं जहां पर ईश्वर के वचन का आदर करता है वहां पर बड़े चमत्कार होता है। इतने सुंदर रीति से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर जगह में हम पर देखे हर कार्य बहुत सुंदर रीति से करता है, किया है। प्रभु इसका आदर करता है, क्योंकि ईश्वर का वचन है, जो उसका आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा। जिस जगह में प्रभु का आदर होता है उस जगह में आने वाले लोगों का प्रभु आदर करेगा। कैसे? उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए आदर करेंगे। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन आप में कई लोग आदर अच्छा से नहीं करता है। जब हम बोलते हैं प्रभु का वचन बोलो, कुछ लोग अच्छा से नहीं बोलता है। करेंगे तो अच्छा करना, नहीं तो नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि प्रभु के लिए कुछ करेंगे अच्छा करना, देंगे अच्छा देना, बोलेंगे अच्छा बोलना, हाथ उठाएंगे पूरा उठाना, हल्लेलुया बोलेंगे बढ़िया से बोलना, हल्लेलुया। इतने लोगों के लिए वो आज काफी नहीं है। हल्लेलुया यीशु की जय हो, जय यीशु। मतलब जब हम जय यीशु बोलते हैं, सबसे पहली बात हम एक घोषणा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं यीशु को जिताऊंगा। यीशु जीते, यही है जय यीशु, मतलब यीशु जीते, यीशु को जिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सत्य है। जब मैं झूठ बोलता हूं कौन हार जाता है? सत्य हारता है। कौन है सत्य? यीशु सत्य है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस व्यक्ति में कौन हार जाता है? जीसस इज डिफीटेड, ट्रूथ इज डिफीटेड। जब आप चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं, परीक्षा में चीटिंग करते हैं, कौन हार जाता है? आपके एग्जामिनेशन में यीशु हारा। यीशु को हराने के बाद कुछ लोग जीतने की कोशिश करता है, कहां तक जीतेगा यीशु? हारने के बाद जीवन में हम कब तक जीत कर रहेंगे? यीशु को हराने के बाद कई लोग जीवन में जीतने की कोशिश करता है। अशुद्ध पैसा की कमाई, गलत पैसा, चोरी का पैसा, झूठ बोलकर धोखा देकर कमाई, माता पिता को दुख देकर कुछ कमाया, कौन जीतता है? प्रभु नहीं जीतता है, यीशु हारा हुआ है, यीशु सत्य है। हालेलुया। यीशु मार्ग है, यीशु का मार्ग छोड़कर दूसरा कोई भी मार्ग जब मैं अपनाता हूं, गलत मार्ग से कुछ करता हूं, शादी किए बिना किसी को ले जाकर साथ में सोता हूं, कौन हारता? यीशु हार जाता है। मेरी रिश्ते में यीशु हार जाता है, क्योंकि यीशु का मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग, यीशु ने कहा मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचे। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। यीशु के मार्ग छोड़कर किसी ने कुछ बटोर कर रखा है, यीशु आपके जीवन में हारा हुआ है। ईश्वर का राज आपने कभी खोजा नहीं है, ईश्वर के राज आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि ईश्वर हारा हुआ है। जहां पर प्रभु हारा हुआ है वहां पर ईश्वर का राज नहीं है। जिसके जीवन में, जिसके परिवार में यीशु हारा हुआ है, यीशु का मार्ग टुकरा कर दूसरा मार्ग अपनाया है, वहां पर ईश्वर का राज नहीं है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो, मतलब यीशु को जिताने के लिए सोचो। जीवन के हर रिश्ते पे, हर काम में, चाल चलन में, पहनावे में, रिश्तों में, रीति रिवाज में, ढंग तरीके में यीशु को जिताना चाहिए। ये एक ईसाई का सबसे पहला उत्तरदायित्व है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच वन ऑफ अस हु इज कॉल्ड क्रिश्चियन इज दिस, यीशु को जिताए, यीशु को हारने ना दे, यीशु को ना हराए। बोले हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर बोलिए मैं यीशु को जिताऊंगा। यीशु जीते मुझ में, यीशु जीते मेरे द्वारा। आप बोलेंगे यीशु जीते मेरे द्वारा, अच्छा से बोलेंगे यीशु जीते मेरे द्वारा, मुझ में, मेरे काम में, चाल चलन में, फैसलाओं में, योजनाओं में, सोच विचारों में, रिश्तों में, खान पान में, सही काम में, सभी कार्यों में यीशु ही जीते। जय यीशु, अच्छा से बोले जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही जीते, बोले हालेलुया। आदिजी की जी, दूसरी बात, जब मैं जय यीशु बोलता हूँ, जब मैं किसी को हाथ मिलाता हूँ, जय यीशु बोलता हूँ, उस समय मैं उस व्यक्ति को एक चेतावनी प्रभु के द्वारा देता हूँ,
और आपको किसी ने जय यीशु बोला, वो व्यक्ति के द्वारा आपको एक चेतावनी प्रभु की तरफ से मिल रहे हैं, वो चेतावनी यही है, डू नॉट डिफीट द लॉर्ड। यीशु को नहीं हराना चाहिए, चेतावनी है। बोले हालेलुया। जय यीशु में एक डिसीशन है, पहली बात, एक डिसीशन, एक प्रतिज्ञा, एक डिसीशन, एक फैसला है, मैं यीशु को जिताऊंगा, मतलब मैं पाप छोड़ दूंगा। बोले हालेलुया। क्योंकि पाप के द्वारा केवल हम यीशु को हरा सकते हैं। जब मैं जानबूझकर पाप में रहता हूं, ईसा मसीहा के बारे में जानने वाला, यीशु के नाम पर बपतिस्मा स्वीकार किए हुए, यीशु के वचन को जानने वाले कोई जब पाप में रहते हैं, हम क्या करते हैं? इब्रानियों का अध्याय 6:6, जब हम पथभ्रष्ट होते हैं, जब हम पाप में रहते हैं, ईसा मसीहा को फिर से सूली पर चढ़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं। हिब्रूस चैप्टर 6:6, हर पाप ईश्वर की निंदा है, प्रभु की निंदा है। इसलिए जब मैं जय यीशु बोलता हूं, मैं एक फैसला लेता हूं, मैं यीशु को चिताऊंगा। प्रभु का वचन कहता है, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर के मंदिर को अशुद्ध नहीं करना, ईश्वर के मंदिर को शत्रु का लुट ठहरूंगा, अड्डा नहीं बनाना। लेकिन मैं गुटखा, नशा, सादा और बीड़ी, तामुल, तंबाकू इत्यादि चीजें जब छोड़ने को तैयार नहीं हूं, जब समय मिलता है, मौका मिलता है, थोड़ा सा दारू पी लेता हूं, और उसके बाद जब मैं प्रार्थना में जाता हूं, आप सोचते हैं जय यीशु बोलता है, हम जो प्रार्थना करते हैं, रोसरी पहनता है, सब ठीक है, नहीं है, यीशु हारा हुआ है। शरीर क्या तुम नहीं जानते हो, ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारा अपना नहीं है। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:19-20, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:19-20, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर की आत्मा उसमें निवास करता है, आपका अपने पर अधिकार नहीं है, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए अपने शरीर में ईश्वर की महिमा किया करो। यू आर नॉट योर ओन, यू आर बॉट विद अ प्राइस, सो ग्लोरीफाई द लॉर्ड इन योर बॉडी। यू आर नॉट योर ओन, शरीर आपका अपना नहीं है, आप अपनी मर्जी से, आप जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर नहीं सकता, जो चाहता वो देख नहीं सकता, जो खाना चाहता वो सब खा नहीं सकता, क्योंकि शरीर मंदिर है, ईश्वर का है, कीमत से खरीदा हुआ है आप, वो कीमत यीशु का लहू है। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1:17-18 में लिखा है, क्योंकि आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत से नहीं हुई है, पूर्वजों से चली आ रही बेकार की जीवनचर्या से, आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत से नहीं हुई, बल्कि एक निष्कलंग और निर्दोष मेमना अर्थात ईसा मसीहा के लहू से हुई है। यीशु के लहू के द्वारा कीमत वो है, यीशु का लहू। इसलिए हमारा पप्पा पिता है बोल के मैं पी नहीं सकता हूं, पूर्वजों से चली आ रही जीवनचर्या से उद्धार यीशु का लहू के द्वारा, इसलिए मुझे एक रिश्ता है यीशु के लहू के साथ, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं, यीशु के लहू के साथ मेरी रिश्ता है, ब्लड रिलेशनशिप है, इसलिए मुझे उसका आदर करना चाहिए। शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसलिए मैं नशा जब छोड़ने का निर्णय लेता हूं, यीशु जीत रहा हूं, यीशु का आदर हो रहा है। यीशु को जिताओ, यीशु आपको हारने नहीं देगा। जिन्होंने यीशु को जिताया है, यीशु उनको आपके जीवन में हारने नहीं देगा, लेकिन जिन्होंने यीशु को हराया है, जीतने की कोशिश बेकार में कर रहे हो, नहीं जीतेगा। बोले हालेलुया। इसलिए जय यीशु जब हम बोलते हैं, हम एक फैसला लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय यह है यीशु जीत, यीशु ही जीत। बोले आमेन, अच्छा से बोलिए आमेन, आमेन। कमर दर्द प्रभु किसी को चंगा कर रहे हैं इस समय, जितने लोगों को कमर दर्द है, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर प्रार्थना करें। किसी को कमर दर्द है, हाथ सिर पर रखिए, बाकी लोग सब हाथ उठाइए। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, प्राप्त वचनों की योग्यता। शरीर मंदिर है, इस मंदिर में ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। जिन्होंने भी वचन सुनकर पछतावा किया, इस समय कमर दर्द से छुटकारा, प्रभु यीशु के माइटी नाम, द माइटी नेम ऑफ जीसस द सेवियर,
by the power of ordination conferred upon me, sharing that same power with Bishop Ji and all the fathers present here, I rebuke the spirit of infirmities and sickness. Kamar dard ki atma ko Yesu ke samarthyavan naam se hum bandh dete hain. Be healed, be healed. Mighty name of Jesus be glorified. Say amen. Amen. सब लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शरीर ईश्वर का मंदिर है, मंदिर में महिमा प्रकट हो. मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में निवास करता है. हालेलुया. यीशु नहारे स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहे हैं. यीशु नहारे, यीशु को नहीं हराना, यीशु को नहीं हराना. जब जब कोई जय यीशु बोलता है, स्वर्ग की तरफ से चेतावनी आती है, यीशु आपके जीवन में ना हारे. आपके डिसीजन में यीशु ना हारे, फैसलाओं में, रीति रिवाज में यीशु ना हारे. यदि आपके कारण आपकी मां दुखी है, जिसने आपको सिखाया मां का दुख बच्चों के घर का नींव उखाड़ेगा, यह वचन है. मां का दुख बच्चों के घर का नींव उखाड़ देता है. ईश्वर की राज आपके जीवन में नहीं है, हरा हुआ है. प्रभु मां का दुख, इसलिए आपको एक चेतावनी मिल रही है. नशा छोड़ने का, गलत रिश्ता छोड़ने का चेतावनी मिल रही है स्वर्ग की तरफ से. स्वर्ग राज की खोज और उसकी धार्मिकता यानी उसकी पवित्रता की खोज करो, बाकी सब दिया जाएगा. जिस कार्य के लिए यीशु लहू बहाया, जब हम पापी रहते हैं, जब हम पापी थे, जब हम शत्रु ही थे, वो आकर मेरे लिए मरा, ये उसकी धार्मिकता है. जिसे हम उनकी धार्मिकता की भागी बन जाए. हमारे लिए ईश्वर ने, पिता ने यीशु को पापी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा उनकी धार्मिकता की सहभागी बन जाए. बोले हालेलुया. हमारे पाप की सहभागी बनाया, पाप की सारी नतीजा यीशु को अपने ऊपर ले लिया. ये उसकी धार्मिकता है जिससे हम पवित्र बने. इसलिए उसकी खोज करना है, ईश्वर के राज की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज है. इसलिए एक चेतावनी है. और तीसरी बात, जब हम जय यीशु बोलते हैं, एक प्रार्थना है, एक आशीर्वाद है. यीशु सदा जीते हैं, तुझ में यीशु सदा जीते हैं.